हाय फ्रेंड्स मैं रितु नागपाल देखिए एक और जो है डिज़ाइनर जैकेट की फरमाइश आई थी इस तरीके की डिज़ाइनर जैकेट जो है बताई जाए कैसे बनाई जाएगी बहुत सिंपल आसानी से बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है ये जो है मैंने कम से कम तीन से चार साल के बच्चे के लिए बनाया है और हार्डली सौ ग्राम के आसपास वूल लगी है आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है आपको कि किस तरीके से आप इस तरीके की जैकेट जो है बच्चों के लिए बना सकते हैं चलिए देखते हैं इसे हम किस तरीके से बनाएंगे अब देखिए नॉर्मल जो है फोर प्लाई की वूल ली है ये उस वाल की नेट प्लस वूल है और 10 नंबर से आपको इसे बताने जा रही हूँ यहाँ पे मैंने 92 टू स्टिचेज़ डाले हैं नाइन्टी टू स्टिचेज़ डालने के बाद दो सीधे दो उल्टे का आप ये देखेंगे बॉर्डर बनाया है इस तरीके से अब ये बॉर्डर कितना बनाया है ये मैं आपको बता देती हूँ ये देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है पाँच इंच का बॉर्डर है ये तेरह सेंटीमीटर आप देखेंगे देखिए तेरह सेंटीमीटर है और पांच इंच का जो है ये बॉर्डर है अब देखिए करना कैसे क्योंकि ये जो ड्रेस है ये एक ही रो में बन रही है ये बैक से बन रहा है और फ्रंट में आ रहा है अब नाइन्टी टू स्टिचेस डाले हैं अब कैसे करना है ध्यान दीजिएगा अब यहां से पहले मैं पांच फंदे इसके जो है बंद करूंगी ऐसे देखिए एक दो तीन चार पाँच अब ये पाँच फंदे बंद किए अब यहाँ से ये एक फंदा है साथ में नौ फंदे हम सीधा बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ और ये पूरे आपके यहाँ पे दस स्टिचेस हो गए यहीं पे हम पलट लेंगे अब पहला फंदा उतारूंगी और ये नौ फंदे सीधे बनाऊंगी अब देखिए यहाँ पे आ गए आप अब पहला फंदा तो उतारूंगी धागा आगे इस तरीके से ये देखेंगे आप ये बनाने के बाद ऐसे किया आपने अब यहाँ से ये फंदे सीधे बनाएंगे पहले तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस देखिए यहाँ पे आ गए अब यहां से जो है मैं हर आठ फंदे के बाद एक एक फंदा जो है बढ़ाऊंगी आप छः या आठ फंदों के बाद उस हिसाब से बढ़ाइएगा देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ यहाँ पे मैं एक फंदा जो है बढ़ाऊंगी तो आप चाहे नीचे से बढ़ाइए या ऊपर करके बढ़ाइएगा वो आप अपने हिसाब से बढ़ाएंगे एक फंदा बढ़ा लिया अगेन आठ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ फिर यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ देखिए इस तरीके से आपने बढ़ा लिया अब ये लास्ट के दस फंदों में आपने नहीं बढ़ाना है जस्ट सेंटर में बढ़ाना था हमने चाहे वो आप पाँच छः फंदे आठ फंदे इस तरीके से अपने हिसाब से बढ़ाइएगा अब देखिए करना क्या है आप जो चीज़ें बताऊंगी उससे ध्यान से देखिएगा क्योंकि वही चीज़ आपने दोहराते हुए जानी है आप पलट के आपने यहाँ से पहला पांच फंदे तो हमने यहाँ पे बंद करने हैं इस तरीके से देखिए एक दो तीन चार और ये पांच पांच आपने बंद किए धागा आगे किया अब नौ फंदे सीधे बनाए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ यानी कि ये पूरे आपके दस फंदे हो गए पलट लीजिए यहीं पे पहला फंदा उतारेंगे और नौ फंदे सीधे बनाएंगे अब ये पूरी लाइन आपने सीधी बनानी है अब देखिए सीधी लाइन पे आ गए अब जो लाइनें बताऊंगी वो आपने रिपीट करनी है तो इसलिए उस चीज को ध्यान से देखिएगा आप ये देखेंगे इस समय मेरे पास 90 स्टिचेस है पांच इधर कटाए थे पहले 92 थे पांच इधर और पांच इधर कटा के दस कम किए तो 82 हो गए थे और आठ फंदे हमने जो हमने बीच में बढ़ाए हैं वो आप अपने हिसाब से आठ या दस फंदे बढ़ा सकते हैं अब जो लाइनें बताऊंगी वो आपको रिपीट करनी है तो देख लीजिए अब पहले वही पहला उतारने के बाद नौ फंदे सीधे बनाऊंगी देखिए दस फंदे हो जाते हैं पूरे यहीं पे आपने पलटना है अब पहला फंदा उतारने के बाद ये सारे फंदे हमने सीधे बनाने हैं अब ये पूरी लाइन हमने सीधी बनानी है देखिए पूरी लाइन आपने सीधी की आप पलट के यहाँ से पहला फंदा उतरेगा और नौ फंदे सीधे बनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ यानी कि पूरे दस फंदे आप पलट के पहला उतरेगा और नौ फंदे सीधे बनेंगे अब पलट के पूरी लाइन सीधी बनेगी बस यही आपको दोहराते हुए जाना है यानी कि हम इसमें शॉर्ट रोज कर रहे हैं दोनों साइड से पहले एक साइड से फिर दूसरे साइड से करते हुए अब ऊपर शोल्डर तक आपने इसी तरीके से बनाते हुए जो अभी मैंने ये लाइनें बताई हैं यही आपको दोहराते हुए फिलहाल शोल्डर तक ऐसे ही जाना है देखिए अब यही चीज आपको फिलहाल दोहराते हुए जानी है तो आप ये देखेंगे यहाँ पे ज्यादा होगा और यहाँ पे कम होता जाएगा ये देखेंगे आपको ये देखेंगे तो अब यही चीज आपको फिलहाल शोल्डर तक दोहराते हुए जो है इसमें जानी है अब ये मैंने 11 इंच लंबा बनाया है यहां से मैं जो नाप रही हूं ये टोटल में यहां तक 11 इंच लंबा है अब ये आपने वैसे अपने बच्चे अपने अपने बच्चों के हिसाब से बैक में देखना है कि कितना रहेगा आप देखिए करूंगी क्या यहां पे तो जिस तरीके से बना रही हूं वैसे ही दस फंदे बनाएंगे अब ध्यान से देखिएगा क्योंकि सेंटर में फंदे बंद करने हैं पहले ये दस फंदे बनाऊंगी तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस वापस आपने किया और ये दस फंदे बना लिया जैसे कर रही थी वैसे ही करूँगी अभी आगे दिखाती हूँ नेक्स्ट लाइन में क्या करूँगी मैं ठीक है ये दस फंदे हो गए आपके अब आप देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या करना है अब ये दस फंदे पहले बनाऊंगी ये बनाए अब यहां से आठ और दस यानी कि सेंटर में आठ फंदे रखूंगी और फिर साइड में दस फंदे इसी तरीके से रखूंगी पहले आठ फंदे बनाते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ ये बनाया आपने आठ बना सकते हैं आप दस भी रख सकते हैं ये थोड़ा सा अपनी अपनी जो है मर्ज़ी है वैसे हम जो है इसमें नाइन्टी फंदे हैं इस समय तो अगर मैं अट्ठाईस यहाँ रखती हूँ अट्ठाइस यहाँ रखती हूँ फिफ्टी सिक्स फंदे हो जाते हैं तो सेंटर में मुझे जो है फोर्टी फोर फंदे मिलेंगे तो उसके उसमें अगर मैं इसमें दस दस रख लेती हूँ तो वो मिलेंगे तो यहाँ पे मैं ये दस रखे यहाँ पे दस रखूँगी ये दस हो गए एंड अगेन दस यानी कि तीस फंदे मैं शोल्डर पे रख रही हूं दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस ये देखिए ये फ्रंट में आना है तो ये शोल्डर है तो ये फ्रंट में आएगा अब यहां से हम ये तीस फंदे एक एक करके बंद करेंगे ऐसे देखिए इस तरीके से एक दो तीन चार पांच तीस फंदे बंद करने हैं अब ये देखिए तीस फंदे बंद हो गए यहां पे मेरे तीस है यानी कि तीस तीस और तीस पूरे नब्बे फंदे हो गए अब फिलहाल ये लाइन पूरी सीधी करूंगी पहले अब देखिए पलट के अब क्राइटेरिया वही करना है दस फंदे ये जैसे कर रहे थे वैसे ही करने हैं और यहां के दस फंदे भी वैसे ही करने हैं सेंटर के दस फंदे नॉर्मल बनेंगे अब एक बार देख लीजिए लाइंस तो दोनों पार्ट्स हमें फ्रंट के ये फ्रंट बन रहा है उसी तरीके से बनाएंगे अब ये दस फंदे आपने पहले बनाने हैं ये बनाए पलट लिया फिर से पहला उतारा और नौ फंदे सीधे बनाए आपने अब पलट लिया अब ये तीस फंदे पूरे नॉर्मल बनेंगे पहले देखिए बनाया आप पलट लीजिए अब यहाँ से भी दस फंदे बनाऊंगी और फिर पलट के वापस करूँगी ये देखिएगा ये दस फंदे बनेंगे दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस पलट लीजिए फिर एक उतार के नौ फंदे सीधे देखिए आप पलट के सारे फंदे सीधे कर वही रहे हैं जो हम नीचे यहां कर रहे थे बट अब यहां फंदे जो है आपके कम हो गए तो दस यहां जो पलटेंगे दस यहां और सेंटर में आपके पास जो है दस रहते हैं तो देखिए अब यह पूरी लाइन आपकी पूरी ज, सीधे जाएगी ये देखिए बना लिया अब आपने यही करते हुए जाना है फिर से हम यहाँ से दस फंदे बनाएंगे फिर पलटेंगे फिर दस फंदे बनाएंगे और फिर पूरे फंदे बनाएंगे फिर यहाँ से दस बनाएंगे यही जो अभी यहाँ की लाइंस बताई है वही आपने दोहराते हुए जानी है अब आपने कहाँ तक बनाना है कि आप इसे पूरा दोहराते हुए यहीं तक जाएंगे यहाँ तक जहाँ से हमने ये शुरू किया था इसी तरीके से इस साइड का पार्ट भी हम वही बनाएंगे ये दस फंदे हमने पलटने हैं उसके बाद सेंटर के दस फंदे बनाने हैं फिर यहाँ के बनाएंगे जिस तरीके से ये साइड बना रही हूँ वैसे ही एग्जैक्टली exactly ये साइड भी आपकी बनेगी और बनाना आपको यहाँ तक है जहाँ से हमने ये शुरू किया था उसके बाद बताती हूँ कि किस तरीके से हम फ्रंट का नीचे का हिस्सा बनाएंगे अभी ये जो है हमारा फ्रंट का हिस्सा शुरू हो गया है अब ये देखिएगा ये मैंने जो है इतना बना लिया है इस तरीके से आप ये देखेंगे देखिए दोनों साइड मैंने बेसिकली ये बना लिए अब कितना बनाया है ये मैं आपको बता देती हूँ वैसे ये अपने अपने बच्चों के लेंथ के हिसाब से है ये जो नीचे का बॉर्डर था ये तो पाँच इंच था और इंच है और यहाँ से लेकर पूरा ये आठ इंच है अब लेकिन ये आप अपने हिसाब से कीजिएगा अब देखिए हमें यहाँ पे जो है थोड़े से ये यह यहाँ तक आया है इस तरीके से रख के देखेंगे आप अपने यहाँ पे ऐसे तो दोनों तरफ इतना जब आ जाएगा अब ये सिर्फ बॉर्डर बनाना है तो यहाँ पे हमें छः फंदे जिस साइड हम सेंटर ले रहे हैं उस साइड हम छः या सात फंदे डालेंगे और इस साइड हमने पाँच फंदे बंद किए थे तो पाँच ही डालेंगे तो देखिए आप कैसे डालेंगे यहाँ पर इस समय मैं जो है सीधी तरफ से खड़ी हूँ तो इस तरह से ऐसे रखेंगे ये आप बेसिकली तो यहाँ पे ये राइट साइड है पांच फंदे यहाँ पे आपने डालने हैं तो डालने का क्राइटेरिया देखिए ये है एक दो तीन चार और ये पांच अब हमें इसे दो सीधे दो उल्टे का जो है बनाना है बॉर्डर बनाना है एक दो सीधे ऐसे फिर दो उल्टे अगेन दो सीधे दो उल्टे पूरी लाइन ऐसे करेंगे अब ये देखिए लास्ट में आ गए हम ये एक उल्टा है यहां पे हमने मोड़ के छह फंदे जो है बढ़ाने हैं एक दो तीन चार पांच और ये ये देखिएगा इस तरीके से ये छह फंदे डाले अब हमने यहाँ पे जस्ट देखना है कि ये लास्ट का फंदा हमारा क्या आया था दो उल्टे हैं फिर ये दो सीधे आएंगे दो उल्टे दो सीधे और ये एक उल्टा तो देखिएगा किस तरीके से करूँगी पहला फंदा तो मैं ऐसे उतारूंगी धागा यहीं पे रहेंगे क्योंकि हम एज बनाने जा रहे हैं इसकी साइड की अब हम दो सीधे बनाएंगे एक और एक दो फिर दो उल्टे अगेन दो सीधे ये देखिएगा एग्जैक्टली exactly दो उल्टे आए हैं दो उल्टे अब यही दो उल्टे दो सीधे का क्रम आपने जो है इसे में करते हुए जाना है पाँच इंच कम से कम जितना हमने फ्रंट का पाँच इंच बनाया था उतना ही हम इसे भी बनाएंगे ये देखिएगा इस तरीके से आया है अब हमें यही दो सीधे दो उल्टे जिस तरीके से ये बना हुआ है उसी तरीके से दो सीधे दो उल्टे करते हुए पाँच इंच जाना है तो ये तो हो गया आपका राइट साइड अब ये लेफ्ट साइड भी आपको दिखा देती हूँ अब लेफ्ट साइड यहाँ पे छः फंदे क्योंकि ये सेंटर का जो पोर्शन आ रहा है और यहाँ पर पाँच फंदे क्योंकि ये साइड है तो यहाँ पर छः फंदे डालेंगे आप इस तरीके से देखिए एक थोड़ा टाइट रखिएगा दो तीन चार पाँच और ये देखिए अब इसमें भी हमें पहला फंदा जो है उल्टा रखना है क्योंकि इसे हमें एज बनाना है तो उल्टा रखेंगे उतारेंगे धागा यहाँ रहने देंगे अब यहाँ से शुरू करेंगे हम दो सीधे ऐसे दो उल्टे अगेन दो सीधे, अब पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे दो सीधे और दो उल्टे और लास्ट में हमने पांच फंदे बढ़ाने हैं ये देखिएगा लास्ट में एक उल्टा आया है अब यहाँ पे मोड़ के हमें पांच फंदे बढ़ाने हैं एक दो तीन चार और ये पांच जस्ट यहाँ पे देखिएगा हमारा लास्ट का फंदा ये दो उल्टे हैं, दो सीधे दो उल्टे और ये दो सीधे तो यहीं से हमारा शुरू होगा दो सीधे दो सीधे देखेंगे दो उल्टे फिर दो सीधे दो उल्टे आप पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे अब ये लेफ्ट साइड है तो देखिए लेफ्ट साइड में आपने जो है जहां सेंटर का हमारा हिस्सा है छः फंदे जहां डाले थे वहां हमने बीच बीच में बटन होल भी डालने हैं अब ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है तो आपने करना तो यही है कि अब आपने सिर्फ ये पाँच इंच जो है दो सीधे दो उल्टे करने हैं लेकिन लेफ्ट साइड में आपने बीच बीच में बटन होल भी इसमें डालना है यहाँ पे आपको करके एक बार दिखा देती हूँ बटन होल तो छः फंदे हैं तो ये देखिएगा एक दो तीन ये तीन बनाए और यहाँ पर मैं बटन होल डालूँगी तो बटन होल आप बंद करके भी डाल सकते हैं जैसे दो फंदे आपने बंद किए देखे इस तरीके से एक दो ये उतार दिया आपने वैसे आप अपने अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं और मेरे चैनल पे ऑलरेडी है कि आप बटन होल कैसे डाल सकते हैं ये देखिए दो फंदे आपने ऐसे बंद किए अगली बार हम अगली लाइन में इसे दो फंदों को डाल देंगे फिर वही जैसे दो सीधे दो उल्टे दिख रहे हैं वही बनाना है आपने ये लाइन पूरी होगी अब इस लाइन में हमने ये सारे तो दो सीधे दो उल्टे बनाना है यहाँ पे जो हमने दो फंदे बंद किए थे वो हम डालेंगे तो इस तरीके से बटन होल आप डाल सकते हैं या आप अपने अपने तरीके से भी जो है डाल सकते हैं ये यह देखिए यहाँ पे आप पहुँचे हैं यहाँ पे दो फंदे हमने बंद किए थे दो तो डालने हैं तो पलट लीजिएगा और ऐसे एक ये किया देखिए ये करने के बाद आपने ऐसे लिया एक और एक दो जितने फंदे हमने बंद करे उतने ही डालने हैं वापस पलटेंगे और फिर ये जैसे आपको दिख रहा था वैसे ही आप इसे बनाएंगे दो सीधे हैं ये अदर दो उल्टे हैं ये किया दो उल्टे और ये वाला सीधा तो देखिए इस तरीके से आपका ये बटन होल डल जाएगा अब आपने ये दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर बनाते हुए जाना है पांच इंच दोनों साइड्स और उसके बाद नीचे हम इसे बंद कर देंगे फिर आपको मैं बताती हूं कि इसे हम जोड़ेंगे कैसे अब ये देखिएगा इस तरीके से ये दोनों पार्ट आप ये देखेंगे उतने ही बनाए हैं मैंने जितनी हमारी जो है ये बॉर्डर है और फिर नीचे से हमने इसे बंद कर दिया अब आपने क्या करना है अपने इसे उल्टा करना है और जस्ट हमने ये साइड सिलने हैं इतने जहाँ तक हमने ये किया था ये ऐसे और वो साइड बस ये दो साइड सिलने हैं और उसके बाद आपने बटन होल्स डालने थे डाले थे तो बटन होल्स भी इसमें जो है लगाने हैं तो देखिएगा ये साइड हम इस तरीके से हल्का सा बता देती हूँ बाकी तो अपने अपने हिसाब से सिलना है देखिए ये लिया आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे सिल देना है आपने ये देखिएगा इस तरीके से ये साइड सिल लिया आपने अब आपने ये दूसरा साइड भी ऐसे ही सिलना है जस्ट और उसके बाद जो है हम यहाँ पे बटन लगाएंगे ये देखेंगे ये सिल गया दूसरा साइड भी इतना ही सिलना है सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे ये सिलना है और फिर हम बटन लगाएंगे और बाद में रिबन दिखाती हूँ आपको इसमें रिबन यहाँ पे किस तरीके से लगाएंगे तो पहले हम दूसरी साइड सिल लेते हैं और बटनज़ लगा लेते हैं अब आप ये देखिए ये मैंने सिल्क भी लिया है साथ में इसमें बटन लगा लिए हैं और इस तरीके की कोई भी डोरी या तो डोरी डाल लीजिए या साटन आता है मार्केट में इसी कलर का साटन भी आप इसमें जो है ऐसे करके डाल सकते हैं वो डालेंगे कैसे थोड़ा सा आपको आइडिया बता देती हूँ मैंने तो आप ये देखेंगे इस तरीके की सिल्क की डोरी आती है वो ली है इसे लेकर आप डालेंगे कैसे देखिए ये आपने इस तरीके से पकड़ा और जो ये पोर्शन है यहाँ पे जहाँ पे हमने जो है टर्न मारा था ये देखेंगे आप ये दिख जाएगा आपको ये ऐसे लेते हुए आपने इस तरीके से हर एक लाइन पे ऐसे लेते हुए जाना है और इसे इस तरीके से लेना है ये देखिए ऐसे आया तो इसी तरीके से एक पूरा ऊपर तक लेके जाएंगे और फिर वहाँ से हम इसे नीचे की तरफ राउंड लेकर आएंगे देखेंगे ये देखिए हर एक में आपने बेसिकली डालना है ये देखिए ऐसे ऐसे ये डाला आपने ऐसे डालना कहाँ तक है देखिएगा ये जो आपने ऊपर ये कंधे तक किया था जहाँ तक हमने किया था ये जो हमने गले की वो की है वहाँ तक आप पहले इसे डालेंगे ऐसे और फिर हमें उस तरफ से इसे वापस लाना है तो ये जो ऐसे आपका कंधा दिख रहा है इसमें आप सेंटर में लीजिएगा ज़रूर इस तरीके से ये निकालेंगे आप और फिर यहाँ से ऐसे शुरू करेंगे ये देखेंगे फिर से ये देखिए पलट लीजिए ऐसे और जिस तरीके से उस साइड पे किया है वैसे ही एक एक करते हुए आप ऐसे डालते हुए इसमें जाएंगे और नीचे आप इसे नॉट लगा लीजिएगा ये देखिए ये देखिए हल्का सा ढीला छोड़िएगा तो जिस तरीके से मैंने इसमें किया है आप ये देखेंगे ये देखिए यहाँ से लेते हुए गई हूँ पूरा इस पर लिया है और यहाँ से वापस लाई हूँ और यहाँ पर जस्ट मैंने काट के उसे नॉट लगा दिया है से तो थोड़ा सा आपको नज़दीक करके दिखा देती हूँ ये देखेंगे तो आपका ये जो बच्चे का हाफ जैकेट है बेसिकली डिज़ाइनर जैकेट है ये किसी भी स्वेटर के ऊपर या किसी उसके ऊपर ये बच्चा इस तरीके से पहन सकता है देखेंगे ऐसे आएगा ये और ये पूरा यहाँ तक आएगा और यहाँ पे इसमें जो है नॉट लग जाएगा ऐसे ये देखिएगा डाला है मैंने इस तरीके से ये आ गया अब जस्ट आपने यहाँ पे ऐसे नॉट लगा लेना है इस तरीके से हल्का ढीला रखिएगा बहुत ज़्यादा टाइट नॉट मत लगाइएगा ये, ये देखेंगे ये और डबल नॉट लगा के इसको काट लीजिएगा अब ऐसे कीजिए या साटन लगाइए वो आप अपने हिसाब से जो है देखेंगे देखेंगे ये हो गया आपका यहाँ पे आपने इसे जस्ट काट लेना है आप इस तरीके से आपने जो है इसमें डालना है तो आपका ये बेबी का हाफ डिज़ाइनर जैकेट बेसिकली तैयार हो गया तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ थैंक यू